नमस्कार। आज हम आपको ऑप्टो कपलर के बारे में बताएंगे। ये क्या होता है और कैसे काम करता है। इसके अलावा हमने दो सर्किट असेंबल कर रखे हैं, इसका प्रैक्टिकल हम करके दिखाएंगे आपको। टोटल दो पेज हैं, ये पेज वन है। ऑप्टो कपलर का ये सिंबल है। ऑप्टो कपलर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक बिना इलेक्ट्रिकल वायर के लाइट की मदद से ट्रांसफर करता है। इसमें अंदर एक एलईडी होता है और एक फोटो ट्रांजिस्टर होता है। जब इस एलईडी में करंट फ्लो करती है तो इससे लाइट निकलती है। ये लाइट फोटो ट्रांजिस्टर पर पड़ती है और इसमें करंट ऐसे फ्लो होने लगती है। ये एलईडी और ये फोटो ट्रांजिस्टर एक ही वेवलेंथ के लिए, लाइट में वेवलेंथ होती है ना, उसके लिए ट्यून होते हैं या मैच होते हैं। ऑप्टो कपलर से हमें आइसोलेशन मिल जाता है। तो ये दो जगह स्पेशली हाई वोल्टेज में और नॉइस फिल्टर करने में काफी यूज होता है। वैसे इसके बहुत सारे यूज हैं। ये ऑप्टो कपलर का सर्किट डायग्राम है। टाइप नंबर है 4N37। इसमें 6 टर्मिनल हैं। ये एनोड है, ये कैथोड है और ये एनसी। एनसी का मतलब नो कनेक्टेड पिन। यहाँ पे ये बेस है इस ट्रांजिस्टर का, ये कलेक्टर है और ये इमीटर है। प्राइमरी में हमने एक रजिस्टर लगा रखा है और यहाँ पर इमीटर को ग्राउंड कर देते हैं और कलेक्टर को एक रजिस्टर से पावर सप्लाई से लगा सकते हैं। इसके बाद सिग्नल इन्वर्ट करना हो तो एक नॉट गेट आईसी से या ट्रांजिस्टर से लगा सकते हैं। अब जो यहाँ इनपुट आता है, ये देखिए दिखाया है, तो इसमें करंट फ्लो होने लगती है। जैसे ही करंट ऐसे फ्लो हुई, इसमें लाइट निकली, ये लाइट इस पे पड़ी तो इसमें करंट ऐसे फ्लो होने लगी। ये करंट यहाँ से आएगी ऐसे, इस करंट फ्लो होने से यहाँ ड्राफ्ट होगा और ये पॉइंट बी लो हो जाएगा और फिर सी आउटपुट फिर हाई हो जाएगा, लो का हाई। तो ये हाई गया, इसमें करंट फ्लो हुई, लाइट निकली, फोटो ट्रांजिस्टर ने सेंस किया लाइट, इसमें करंट फ्लो हुई और रजिस्टर की वजह से यहाँ ड्राफ्ट हो गया और यहाँ फिर आपको हाई मिल गया। और जब हम सिग्नल फिर हटा देते हैं या जीरो कर देते हैं, इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, लाइट बंद हो जाती है, ये करंट फ्लो होना भी बंद हो जाता है और ये फिर हाई चला जाता है, देखिए, और ये लो चला जाता है। अब हम आपको सर्किट दिखाते हैं। ये पेज नंबर 2 है। यहां हमने दो सर्किट असेंबल कर रखे हैं। ये वाला सर्किट ये है और ये है। दोनों में हमने 4N37 ऑप्टो कपलर यूज किया है। ये पावर सप्लाई इस साइड की और इस साइड की अलग अलग है। ये वाली सप्लाई ये है और ये वाली सप्लाई ये है। इसके एलईडी की सीरीज में एक रजिस्टर लगा है, एक पोटेंशियोमीटर लगा रखा है हमने इसमें करंट चेंज करने के लिए, और एक अमीटर लगा रखा है। ये अमीटर ये है। इसी प्रकार इधर कलेक्टर में करंट देखने के लिए हमने ये अमीटर लगा रखा है। तो ये वाला अमीटर आउटपुट की करंट पढ़ेगा और ये वाला अमीटर इनपुट की करंट पढ़ेगा।
और ये हमने ग्रीन एलईडी लगा रखा है यहाँ भी और यहाँ भी, ये और ये। जब स्विच को हम ऑन करेंगे, ये वाला स्विच ये है, ये स्विच जब हम ऑन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि स्विच ऑन हो गया, तो ग्रीन एलईडी ऑन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी जब हम स्विच ऑन करेंगे, ये वाला स्विच ये है, तो इसमें करंट फ्लो करेगी तो ये एलईडी जल जाएगा, हमें पता चलेगा कि हमने सिग्नल दे दिया। ये पोटेंशियोमीटर लगा है, ये यहाँ हमने एमीटर नहीं लगाया, एमीटर खाली इधर लगाया है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें देखिए आउटपुट में लोड डायरेक्टली लगा है और कुछ नहीं है। यहां पर क्या किया, ये वाला सर्किट वही पिछले पेज वाला सर्किट है। यहां हमने क्या किया है कि एक और ट्रांजिस्टर लगा दिया है करंट को एम्पलीफाई करने के लिए। तो जब इसमें करंट फ्लो होगी तो इसमें करंट फ्लो होगी और ये करंट इस ट्रांजिस्टर के बेस में जाएगी। यहां पे करंट ऐसे फ्लो होगी और ये करंट हम रजिस्टर से चेंज कर सकते हैं और ये मीटर पढ़ेगा और यहां पर करंट ऐसे फ्लो होगी। इस सर्किट में करंट ऐसे फ्लो होगी इस साइड में, और इस साइड में ये करंट ऐसे फ्लो होगी। यहाँ पे जो कलेक्टर करंट है वो ऐसे आएगी, इसके बेस में जाएगी और यहाँ आएगी। ये 10K रजिस्टर हमने नॉइस के लिए लगा रखा है, और यहाँ पे हमने ये लोड लगा रखा है, ये लोड ये है और ये रेड एलईडी ये है। यहाँ पे एलईडी हमने कलेक्टर में लगाया हुआ था, यहाँ पर हमने एम्पलीफायर के बाद लगाया है। अब हम इसको ऑन करके दिखाते हैं आपको। अब हमने सर्किट ऑन कर दिए, ये मीटर ये रीडिंग पढ़ रहा है, ये मीटर ये रीडिंग पढ़ रहा है। अब इस स्विच को हम दबाएंगे, देखिए दबाते ही सिग्नल आ गया और यहाँ करंट फ्लो होने लगी तो ये वाला एलईडी ऑन हो गया और यहाँ फ्लो कर रही है 6 mA, यहाँ फ्लो कर रही है 7.27 mA। अब हम इस पार्ट को चेंज करते हैं, देखिए हम पार्ट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। जब हमने बढ़ाई तो इसकी लाइट कम होना शुरू हो गया, यहाँ करंट भी कम हो गई, 0.54 mA हो गई, यहाँ पे हो गई 0.37। तो जब रजिस्टर की वैल्यू बढ़ाई तो करंट यहाँ भी कम हुई, यहाँ भी कम हुई। अब हम रजिस्टर की वैल्यू फिर कम करते हैं तो करंट बढ़ेगा, यहाँ भी करंट बढ़ेगी तो लाइट भी बढ़ेगी। ये देखिए, ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ करंट चेंज करेंगे यहाँ पे करंट चेंज होगा। अब ये देखते हैं, ये वाला स्विच हम दबाते हैं, ये ऑन हो गया, ये भी ऑन हो गया। अब जब हम इस पार्ट को चेंज करेंगे तो यहाँ करंट चेंज होगी, मगर चूंकि हमने एम्पलीफायर लगा रखा है तो यहाँ करंट एम्पलीफाई होके आएगी और यहाँ फुल ऑन रहेगा एलईडी, ये चेंज नहीं होगा। ये देखिए हमने रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ाने से यहाँ करंट कम हो रही है, ये नहीं पढ़ रहा, ये हमने यहाँ लगा रखे हैं, इधर नहीं लगा रखे, और यहाँ की लाइट फिक्स है। देखिए तो एम्पलीफायर लगाने से क्या हुआ कि ये करंट चेंज होने से यहाँ करंट कम नहीं होती है, हमें फुल करंट मिलती है, और ये लोड है। आज के लिए इतना ही।